मडरिड तो मतलब कर, so कर रही है ठीक है थेके? उनकी उनकी खुद की प्रॉब्लम है बट जो एक हाइपोथेटिकल ब्रिलियंस हम अजूम कर रहे थे इस की टीम का, वो अभी तक दिखा नहीं है एविडेंट नहीं है हालांकि दिस शुड बी आउट स्कोरिंग अस दिस शुड बी आउट स्कोरिंग ईच एंड इन एंटायरिटी ऑफ द यूरोप बट उनकी बात उनकी प्रॉब्लम हमने बहुत बार की है ऑलरेडी बहुत बार हमने उनकी तारीफ भी की है एनालिसिस किया है है वी हैव अबाउट व्हाट इज विद देम एट दिस मोमेंट एंड यस क्योंकि कार्लोन चलोटी सोल्यूशन निकलेगा उसका या नहीं निकलेगा वो बात की बात है बट मेरे भाई कितना बार ऐसा हुआ है टी की हिस्ट्री में कि बार सुना के लिए हम एक्साइटेड रहे हों भाई शायद प्रोबली जावी का वो टाइम था जब वो आ

और क्या ये मेंटेन करना क्या ये बरकरार किया जा सकता है एंटायरिटी ऑफ द सीजन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हांसी फ्लिक बॉल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है बिकॉज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द फिटनेस इनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू फिटीग तो मेरी बात तुम समझो जितना ज्यादा बार्सोलोना के प्लेयर्स फिट रहेंगे जितना ज्यादा उनके पास मैच फिटनेस एंड शार्पनेस एंड जितनी अच्छी डेप्थ हमारी रहेगी उतना बेहतर बार्सोलोना करेगी बिकॉज उनका जो फुटबॉल परफॉर्मेंस है इट

भाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड एंड साइड हूं टू तो सी गवेरिया बैक इन माई टीम बिकॉज बाबा हानसे फ्लिक विल टर्न इन टू अस्टर हमें उसको बहुत रश नहीं करना है बहुत जल्दी उसको हमें खेलते नहीं देखना है बिकॉज ऑब्वियसली हम सबसे पहले चाहते हैं कि भाई गावी फिट हो

फर्मिन लोपेज विल रिटर्न वेरी सुन और रोहो को देख के हांसिफ्लिक के साथ इतनी मुझे खुशी मिली वो पिक्चर भाई पे और रोहो बैठा है ऐसे हाथ करके उसके पीठ पर बैठा हुआ है समथिंग लाइक दैट भाई मैं बता नहीं सकता आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दीज मॉन्स्टर्स गेटिंग अन दॉट अंडर हांसिफ्लिक एन ऑब्वियसली बार्सोला को हमने खेलते देखा इन प्रीवियस मैचेस में मैं क्यों इतना खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ रिगार्डिंग बार्सोला बिकॉज यूजअली बार्सोला ने हमें पिछले कई सारे सीजन्स में गम दिया है बट हांसिफ्लिक बॉल शोज प्रॉमिस मुझे नहीं पता कैन वी विन द लीग और नॉट अभी भी मैं स्टिल डाउट करता हूं बार्सिलोना को बिकॉज भाई बासा है विनो के भाई चीजें हो जाती है हमारे अगेंस्ट है ना होता है भाई भाई जिंक्स के लो या जो भी खेलो लो

बिकॉज भाई सबके बस की बात नहीं वो लेवल्स दिखाना डे एन एंड डे ऑर्ड एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आई थिंक हमारे जो बंदे हैं ना आर बॉयज वॉन्टेड They want it more than anyone, they are not there with their ego problems, they are not there to start, start they are not there to build their own name, they are there to play for this batch. Rafinha bro, he ekes, he ekes out that energy that destined tha to play for Barcelona and I remember my own words when I said that he is not the quality that FC Barcelona needs but this is how the, the player proves us wrong. ओके आई एम हैप्पी दैट इूव मी रॉन्ग बाई तुमको याद होगा मुझसे कई बार पूछा था वुड आई वॉन्ट टू सेल रफीनाड की नॉट राइट नाउ आई डोंट एम टू बी शोर्ड बिकॉज द रीजन भी कि हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा चीप रिप्लेसमेंट एंड जस्ट इमेजिन बॉयज अगर हमने पचास साठ मिलियन में अगर रफीना को सेल कर दिया होता है वी वुड है इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल तो तुम्हें पता है एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑन द फ्रेंज था क्लब से लीड करने के लिए नाउ बिकम आवर कैप्टन टॉप हीट मार्प देखोगे भाई रफीनिया का तुम डर जाओगे भाई डर जाओगे सेकंड गेम ऑफ बार्सिलोना जब हम वॉचलॉन्ग कर रहे थे कि बॉल दैट वॉज लॉस्ट कॉज वो बॉल बाहर गोल के जा रही है वो बंदा उस बॉल को चेज कर रहा था एंड मुझे पता है कि दैट मेक्स नो सेंस बट दैट शो इसमिटमेंट आई लव दैट कमिटमेंट फ्रॉम द लैड तो ऑल एम ट्राइंग टू से इंटरनेशनल uh, ब्रेक जब यह खत्म होगा जो नेक्स्ट मैच हमारा सेविया का आने वाला है तुम देखो कि अगले फिक्चर्स जो हमारे द ऑफ़ कॉम्प्लिकेटेड सेविया के अगेंस्ट हमें खेलना होम पे एंड देन बायन के अगेंस्ट हमारा होम पे मैच है कि हम जीत रहे क्लिक तो है भाई तुम लोगों को यहां लाने के लिए इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दिस बार्सिलोना हैजट मे एक्साइटेड बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग द फुटबॉल इट इज एक्साइटिंग विद गोल्स यार हम गोल्स मार रहे हैं तुम कसाडो को देख रहे हो कुछ ऐसे फ्रेंच प्लेयर्स है मेरे भाई जिनको लेकर हम ये हरकतें कर रहे हैं भाई यूरोप में भाई मजाक थोड़े है और ठीक है भाई मुनाको के अगेंस्ट हमने हारा तो टेन मेन टेन मेन लेकर भाई जीतना और न्यू टू तो इंपॉसिबल होता है अगेंस्ट दोस् क्लब्स मैंने तो बताया भाई लीवन के क्लब्स अच्छे हैं भाई हम फालतू में अंडर एस्टिमेट करते हैं टोल्ड तो अबाउट लिल मडर पिलाई ना भाई वो लिल उसको भी तो, तो, तो तोड़ा बादशाह को मुनाको तोड़ के गई है तो भाई इट यार हैपन्सू कॉ हम बहुत ज्यादा ओवर रिया करते हैं आई एम ट्राइंग टू से सीजन इज वेरी लॉन्ग और हमारे प्लेयर्स वापस आएंगे तुम भाई डानी ओलमो को वापस आने दो पेडरी देखो भाई बॉल आउट कर रहा है

तो देखोगे हर एक काउंटर अटैक हर एक या सेट पीस हो वी कम ताकि हम अपोजिशन को ऑफ साइड कैच करें ना इज अ कैच हाँ से फ्लिक फुटबॉल जो है उसका स्टाइल ऑफ प्ले है इट इज कांड ऑफ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड यू नो रिवॉर्ड ठीक है तो नाउ द मोर नंबर ऑफ मेन विल सेंड फॉरवर्ड उतना हमारी प्रोबेबिलिटी होगी टू मेक दैट अटैक सक्सेसफुल दैट मीनस कि आप ओपन अप हो डिफेंसिव फेजेस मैन इसका थोड़ा एग्जाम्पल स्टार्टिंग के तीन मैचेस थे जहां पे बार्सोना ऑल दो दिसकोर द गोल बट वो बहुत ज्यादा खोले थे वे कंसिडर लॉट ऑफ चांसेस सो नाउ वॉट डू वी डू इन सच टू यू नो दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं वी ट्राई टू कैच द प्लेयर्स ऑफ साइड एंड बार्सोलोना टॉप फाइव लीग्स में सबसे ज्यादा ऑफ साइड कैच करिए ओपोनेंट्स को लालिगा में सबसे ज्यादा हमारा सिक्सटी वन नंबर है तुम सेकंड प्लेस टीम देख लो इवन Afffni Amaru. Our... जितने उनके ऑफ uh, साइड्स है तो बाबा दैट वॉर एम ट्राइंग टू से इसकी कि एवरी सिंगल माइन्यूट डिटेल पे इज वर्किंग हमारे प्लेयर्स फिजिकली ज्यादा बेटर बिल्ट हो चुके हैं इंजरीज ऑब्वियसली आ रही है बट इंजरीज का क्या ही है यार वो तो भाई हो ही जाती है मैं तो क्या ही बताऊं भाई कार्रवाहाल की इंजरी का न्यूज सुन के मेरे को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लगा बड़ा खराब लगा यार आई नो देस बट यार जब प्लेयर को ऐसी सीजन एंडिंग इंजरी होती ना तो भाई खराब लगता है ना आई वॉन्ट टू फेस दम आई वॉन्ट टू फेस एट द बेस्ट स्ट्रेंथ एंड आई विश फॉर एवरी सिंगल प्लेयर एंड एवरी सिंगल टीम बट गि द होल शेड्यूल मास्ट हर तीन दिन पे आ रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज की हमारे प्लेयर्स राइट ऑन टाइम रिटर्न कर रहे हैं एंड आई वुड रियली हो कि भाई अभी किसी को भाई इंजरी ना हो भाई फर्मिन वापस आ जाएंगे ओलमो वापस आ जाएंगे फ्रेंकी डिओंग ऑलरेडी वापस आ चुके हैं एंड भाई मजा आता है भाई कुंडे को तुम देखो यार डिसिप्लिन प्रॉब्लम हुई उस बंदे की ठीक है इट वाज रिपोर्टेड कि बंदा प्रीमिया स्टॉक के लिए लेट आया था तो भाई उसको उसने बेंच कर दिया भाई हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट कर दिया फाइन ठीक है आई वुड लव टू सी दिस आई वुड लव टू सी एंड दिस अंडर हांसफ्लिक ये डेडिकेशन ये चाहिए मुझे यार और तुम देखोगे कि हांसि फ्लिक ने एक और चीज स्टार्टिंग में की थी कि भाई आप ड्रेस कोड फॉलो करिए वो अपने लैविस्ट ड्रेस मत पहन के आओ फॉलो अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड बिकॉज ही वॉन्ट्स एवरी वन टू बी फोकस्ड मैच से पहले फोकस रहो भाई आप आ रहे हो स्टेडियम एक कपड़ा पहन के आओ भाई ताकि आप एक सेंस ऑफ यूनिटी में पा पाओ एक दूसरे को एंड दैट्स द बेस्ट थिंग भाई तुमको फैशन करना है भाई घर में करो एंड दैट्स वेरी गुड एंड वी लव दैट सेम की भाई अगर आप डिसिप्लिन नहीं दिखा पा रहे हो एंड कुंडे हैज प्लेड एवरी सिंगल मिनट फॉर बार्सिलोना तुम देखो भाई कि कितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इज आवर

स की साइनिंग हमें करनी चाहिए ऑल दो बोथ द प्लेयर्स वर इंजरी प्रोन इनिगो भी इंजर्ड काफी रहता था बट बाई इनिगो मार्टिनेस की क्वालिटी थी भाई पहले, साल पहले, खेलते हो अंगे तक साइंट मिडफील्ड के साथ एक सेवनटीन साल का बीके एल राइट विंग पे आग लगा रहा है मेरे बाय बार्सिलोना के फ्रंट थ्री ने मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर किए हैं इस यूरोप में There are things to be excited about, but by overboard नहीं जाना है Obviously there would be games जो हम हारेंगे भाई लोग remember this, जिस तरीके का football हम खेलते हैं we can't go on to win every single game. Allow your team to fail in some matches so that they can recuperate, ठीक है दे कैन कम टूगेदर दे कैन इम्प्रूव दे फिटी या जो भी है कुछ मैचेस होंगे जहाँ पे आपका फिटी कैच करेगा अलाव देम टू फेल एट टाइम्स बट बाई सीजन लॉन्ग है वी वुड वॉन्ट टू विन दोज मैचेज एंड भाई तुमको पता है क्या वी कैन गो ऑन टू वे दिलाीग का जीत सकते हैं बाबा हम जीत सकते हैं देखो हमारा कंपटीशन मड्रिड से नहीं है हमारा कंपटीशन बाकी बची टीम से मडरिड को हम दो बार फेस करेंगे राइट हम एक बार भी मडरिड को अगर हरा पाए विच आम फेयरली कॉन्फिडेंट ऑफ मैं हूँ कॉन्फिडेंट कि हम मड्रिड को हरा सकते हैं द वे वी हैव प्लेड विद्लेय वी आर कमिंग विल गेट बैक हम हरा सकते हैं उनको ठीक है एंड वेरी इजली दे केन डिफीटर्स एज वेल नो प्रॉब्लम विद दैट बट वी हैव टू रिमेंबर यहाँ पे हमारी क्लास सिर्फ उनसे नहीं है बाकी टीम्स भी है बट भाई आई बात चैंपियंस लीग की देखते हैं क्या होता है चैंपियस लीग भी लंबा है लेट्स फोकस लेट्स ट्राई टू होप कि भाई प्रे के हमारे और प्लेयर्स इंजर्ड ना हो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है यहाँ आराम खोरी होती है बट अभी के गले दास दार लोग तो विस्कैल बारसा चैट में बरसा देंगे एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस जैकेट यार ये मेरे भाई बहुत पसंद आई भाई मजा आ गया भाई ये तो जैकेट देख कर यार मैंने बार्सिलोना में जब मैं था तो मैंने ली थी तो डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक दिस और मुझ और रेड करना है इस जैकेट को ठीक ना बस मिलते हैं टेक केयर पीस आउट